नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। संपूर्ण देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इस बीच में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। लगातार उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में लगभग अपने 50 वर्ष दिए हैं। एक ऐसा दल उनके साथ में रहा है, या वो उस एक ऐसे दल के साथ रहे हैं जिस दल का स्तर क्षेत्रीय रहा है, एक सीमा में उसके पास सीमित आमदार रहे हैं, यानी 2-3 हमेशा इन तरह की संख्या रही है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर वह दल बहुत अच्छी पकड़ बनाकर रखा, बहुजन विकास आघाड़ी। सगीर डागिन जी हमारे साथ उपस्थित हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस समय का जो मुल्क है उसकी सियासत, उसकी विरासत, उसकी तस्वीर कैसी है। हालांकि वो बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कल से लेकर अब तक की पूरे देश में हर घर तिरंगा की मुहिम, ये अभियान चला और सार्थकतापूर्ण चला। इसके अलावा उन्होंने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, उस पत्र में क्या कुछ खास है इस पर भी हम बात करेंगे। वो पत्र भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर सगीर डागे ने क्या बात मांग ली है प्रधानमंत्री जी से और क्यों मांगी है। इन सब पर हम आइए बातचीत करते हैं सगीर डागे सर से। सबसे पहले आपको नमस्कार। अच्छा, ये मुस्कुराहट और ये ताजगी सदैव रही है या अभी से? ये मालिक की देन है। अच्छा, पहला सवाल। मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों की दुआएं हैं। हाँ। जो मेरे वहाँ लोग कहते हैं कि चमकता चेहरा है तुम्हारा और तुम बहुत ही चमकते हो, जब भी मेरे फ़ोटो निकलते तो फोटोग्राफर कहता है कि सब में बेहतरीन तुम्हारा फ़ोटो रहता है। हकीकत में बता रहा हूँ। तो ये मुस्कुराना इसलिए है कि मैं एक बहुत बड़े गुजराती बिल्डर के ऑफिस में गया, तो उसके 4 माले का ऑफिस है। तो उस ऑफिस में जब पहली माले पे मैं पहुंचा रिसेप्शनिस्ट के पास, तो रिसेप्शनिस्ट के पास लिखा हुआ था इस्माइल। और ये इस्माइल मैं बचपन से सीख के आया हूँ कि मुस्कुराओ। सगीर मतलब छोटा होता है। सगीर मीन्स छोटा। छोटा बनकर रहना बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन होता है। आप हमेशा बन के रहे या बड़े बन के? नहीं, मैं हमेशा छोटा बन के रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी फ़ख्र नहीं किया। फ़ख्र नहीं किया इसलिए इतनी सारी तस्वीरें हैं। देखिए, हर जगह गुणवत्त गौरव से लेकर तमाम यहाँ पर ट्रॉफियाँ हैं। लोगों ने मुझे मेरा गौरव किया। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं इस लायक हूँ। प्रथम उप महापौर। अब देखिए, पहला सवाल पूछता हूँ। पहले सवाल ऐसा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, कितनी खुशी हुई और क्या देखकर लगता है, क्या कहेंगे इस पूरे माहौल के बीच में? मैंने तो जैसे ही हमारे महान देश के महान पंथ प्रधान ने तिरंगा लहराने की जब बात की, योजना बताई कि हर घर में तिरंगा हो, तो मैंने एक पत्र उनको लिखा कि आपने बहुत अच्छा एक पैगाम दिया है, ये तिरंगा लहराएंगे पूरे देश में तो एक तिरंगा माहौल बनेगा। और मैंने देखा कि पूरे देश में, खासकर हमारे महाराष्ट्र राज्य में और खासकर मैं वसे विरार क्षेत्र में, जो लोगों ने तिरंगा किया, हर घर, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर स्कूल, हर कॉलेज में तिरंगा, हर बच्चा तिरंगा, हर माहौल तिरंगा, इससे ऐसा लगा कि ये देश हिंदुस्तानियों का एक मजबूत देश है, एक महान देश है। अल्लाह करे, मालिक करे, ये तिरंगा हमेशा हमारे जीवन में बाकी रहे। इसके अंदर एकजुटी है, इसमें इत्तेफाक है, इसमें विकास है, इसमें देश की अखंडता है, इसमें देश का प्रेम है। ये प्रेम, ये अखंडता, ये खुशी, और मुझे तो इतनी खुशी हुई कि जिस तिरंगे को मैं 50 साल से मानता आया हूँ, मैं 1972 में जब ग्राम पंचायत सोपारे का चुनाव लड़के जीत के आया था, तो शिक्षण समिति का मुझे सभापति बनाया था। उस दिन से लेकर आज तक मुझे याद नहीं कि किसी साल भी मैंने मेरे तिरंगे झंडे को सलामी नहीं दिया हूँ। नहीं दिया ऐसा कभी? ऐसा नहीं, 50 साल से मैं झंडा वंदन को जाता हूँ, मेरे परचम कुशाई को जाता हूँ, मेरे झंडे को सलाम देता हूँ, क्योंकि तिरंगा झंडा मेरे देश का है, मैं देश का वासी हूँ। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे पिता के पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा सब यहाँ दफन है। मैं ये इस बात को समझता हूँ कि यहाँ की मिट्टी का हम अनाज खाते हैं, यहाँ की मिट्टी का हम पानी पीते हैं, ये मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इसमें जन्म लिया है। तो इस देश से प्यार करना और इस देश से मोहब्बत करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और तिरंगा तो हमारा झंडा है, और तिरंगा इतना प्यारा है, तमाम जाति और धर्म इसमें आए थे, अशोक चक्र इसमें है,
इसमें सब लोग आते हैं। मालिक करे तिरंगा का जो हमारे पंत प्रधान ने बनाया माहौल, ये मालिक करे हमेशा के लिए माहौल बन जावे। अच्छा, इतनी खुशी है जी, इसमें आज सुबह एक कार्यक्रम में आपकी आंखों में आंसू भी आ गए। बिल्कुल, तो क्या कहेंगे इस मुल्क को इस समय देख कर। कभी कभार माहौल में बड़ी विचार उत्पन्न हो जाते हैं, आई इस समय के माहौल को देख कर क्या लगता है कि मुल्क सही दिशा में चल रहा है? देखो, दिशा में तो पंत प्रधान चाहते हैं कि दिशा में चले, जहाँ तक मेरी समझ है, लेकिन कुछ लोग उसको भी, दिशा को भी मिसयूज़ करते हैं और ये हमेशा से रहा है। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे महान देश के महान पंत प्रधान ने कुछ कहा तो हर एक का कर्तव्य, मुसलमान हो, हिंदू हो, कि क्रिश्चन हो, कोई भी हो, कि स्वामी हो, कि कोई मौलाना हो, वो हमारे पंत प्रधान के ऐसे बात को जिसमें तिरंगा लहराने की बात है उसको विरोध करना, ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। विरोध तो खैर चलिए, लेकिन या उसके बारे में कोई कमेंट करना कि तिरंगा हमारा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश की अखंडता और देश के विकास के लिए जरूरी है कि हम अपने महान देश के महान पंत प्रधान की बात को सुनकर उस पर अमल करें। आपने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी, उस पत्र में क्या कुछ मांग है आपकी? सुना है आपने बड़ा अच्छा डिमांड कर लिया। मैंने दो पैराग्राफ का लेटर लिखा। एक तो पैराग्राफ वो है कि हमारे महान पंत प्रधान ने अपने माता जी के पैर को छुआ और पैर को धोया। जब ये मैंने देखा तो हकीकत में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे 50 साल की ज़िंदगी में आज तक किसी मैंने पंत प्रधान को अपने माता जी के पैर को छूता या धोता नहीं देखा। इसीलिए मैंने अपने पंत प्रधान को एक खत लिखा, पत्र लिखा कि आपने ये जो किया है, ये हर धर्म कहता है कि माता को रिस्पेक्ट दो, माता का आदर करो, लेकिन आपने करके बताया है। हमारा भी धर्म कहता है, हर धर्म में कहता है, और मैंने उनको एक सजेशन दिया। मेरा ये सजेशन है कि हमारे पंत प्रधान ने जो माता जी का आदर किया, इसको पूरी पाठशाला के अंदर इसका एक पाठ हो, इसका एक लेसन हो, एक पाठ्यक्रम बनाए, पाठ लेसन बनाए, ताकि बच्चे उसे सबक हासिल करें कि इतने बड़े महान देश के महान पंत प्रधान ने जब अपने माता जी, यही पत्र है। इस पत्र को आप, मैंने दो, इसमें दो बातें लिखी। एक तो ये माँ का आदर किया हुआ है, इसी पत्र में जिक्र किया है सज्जय टाइगर जी ने, और पूरी तरह लिखा हुआ है। इसके अलावा ये तस्वीर आप देखिए, हाँ, तस्वीर मैंने भेजी है। ये तस्वीर पर, यही है तस्वीर, ये तस्वीर है, इसी में है पंत प्रधान जी पैर धो रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी अपनी माँ पैर धुलते हुए नजर आ रही है तस्वीरों में, और पैर पोछते हुए। तस्वीरें भी निकाल कर आपने प्रेषित कर, बिल्कुल, मैंने तस्वीर मेरे पत्र के साथ भेजी है, क्योंकि बहुत महान काम किए पंत प्रधान ने। मेरे 50 साल के राजनीति के अंदर मैंने ऐसे पंत प्रधान नहीं देखा जिसने अपने माँ के पैर धोए या छुए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत आदर की बात है। आपने पत्र जब लिखा जी, उसके बाद क्या लगता है कि इन सब चीज़ों पे प्रधान जी गौर करेंगे, प्रधानमंत्री गौर करेंगे, ऐसी आशा है? उम्मीद है, जब मन की बात वो बोलते हैं तो किसी की मन की बात भी उन्होंने समझना चाहिए। और अगर किसी पाठशाला के अंदर उन्होंने लेसन लिखा तो हजारों बच्चों की जिंदगी में माता और पिता का प्रेम आएगा, आदर आएगा। इस तरह की आपने लिखी ये पत्र में, आपने सोचा नहीं कि ये भी लिखा जाए कि अखंडता पर कोई आँच ना आए, इस पर भी ध्यान दें? कभी कभार क्या होता है, देश का माहौल बड़ी अलग अलग दिशा में चला जाता है। ये प्रश्न कभी भी करने से पहले सामने वाला उत्तर देते वक्त और प्रश्न पूछने वाला हिचकिचाता है, लेकिन मैं सीधे तौर पर पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपको लगता नहीं अखंडता पर प्रहार करने वाले लोगों पर? मैंने इससे पहले एक पत्र लिखा है, उसमें मैंने इसी बारे में लिखा है, अभी मुझे याद आ रहा है। वो पत्र लिखा तो मैंने हमारे राष्ट्रपति को और अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को मैंने लिखा था कि महात्मा गांधी ने फरमाया था कि मेरे देश के दो आंखें हैं और एक दो आंखें में एक हिंदू है और एक मुसलमान है। तो जैसे महात्मा गांधी दोनों का आदर करते थे, हिंदू मुसलमानों का, तो मैंने कहा था उनसे कि ये आदर हो, इसके लिए सीए और ये इस तरह करके हमारे के अखंडता के ऊपर परिणाम नहीं होना चाहिए, सबको स्थान मिलना चाहिए। दुख होता है इस समय के माहौल, बिल्कुल दुख होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश की आज़ादी में तो सबों ने काम किया है, हमारे हिंदू भाइयों ने किया, मुसलमानों ने जान की कुर्बानी दी है, मुसलमानों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, मुसलमान सुरैया ने झंडे को रूप दिया है, अंग्रेज मुल्क छोड़ दो ये मुसलमानों ने नारा लगाया है। क्या देश की आज़ादी मुसलमानों ने भाग नहीं लिया है? पूरा भाग लिया है,
पूरा देश का साथ दिया है, तो आज भी मुसलमानों को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। कितनी तकलीफ होती है जब मुसलमानों को कभी कभार पाकिस्तान के चश्मे से देखा जाता है, कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक आध दो आदमी अगर बेवकूफ़ी करते हैं वो तो हर समाज में आपको मिलेंगे, दो बेवकूफ़ जैसा भी तिरंगे के बारे में बोलने वाला भी कोई मिलेगा, तो वैसा ही ऐसा किसी ने बोला उसके माने पूरा समाज खराब नहीं है। हम पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत करेंगे? हमारा देश हिंदुस्तान है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ हमने जन्म लिया, यह हमारे आप भूमि पुत्र हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के नेटिव हमारे प्लेस है, हमारा जन्म हमारे माता पिता का जन्म यहाँ हुआ, तो हम इस देश से प्रेम करते हैं, इस देश की आज़ादी में हमारे माता पिता ने नारे लगाए हैं और हमारे लोगों ने अपने आप को जेलों में भेजा है, तो हम क्यों किसी मुल्क के फेवर करेंगे जबकि देश हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये देश की अखंडता और देश, इसीलिए हिंदुस्तान को तो सोने की चिड़िया बोलते थे। मैं गया हूँ हज को, लेकिन मैंने हिंदुस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं देखा है। हिंदुस्तान का जो कल्चर है और संस्कृति यहाँ की है, ऐसा कल्चर, यहाँ का रिस्पेक्ट, यहाँ के लोगों में जो मोहब्बत है, ये मैंने तो कहीं नहीं देखा। और आज जब पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है तो मुझे दुख होता है, इसलिए कि मैंने तो ज़िंदगी में कोई पाकिस्तान की बात कही नहीं, ना मेरे माता पिता ने कही, ना हम लोगों ने कही, ना हमारे गांव में किसी ने कही। हमारे डांगे फैमिली का एक भी आदमी पड़ोसी मुल्क नहीं गया है, हम सब यहाँ हिंदुस्तान में रहे। ऐसे तमाम मुस्लिम जो देश के प्रति प्रेम करते हैं उनके ऊपर प्रश्न उठाना ये गलत है? गलत है, ऐसा नहीं उठाना चाहिए। क्या संदेश देंगे? मैं तो ये संदेश दूंगा कि हम लोग किसी को भी गलत निगाह से न देखें, हमारी निगाह अच्छी हो, हमारी सोच अच्छी हो, हमारा विचार अच्छा हो, जैसे हमारे पंत प्रधान मन की बात बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, ये बातों पे हमने सब पंत प्रधान से लेके छोटे से छोटे आदमी, मेरे जैसे छोटे आदमी ने भी इसका अमल करना चाहिए। भावुक हो रहे हैं। ऐसा है जो सुबह भी आपने बोला, मेरे आँख में आंसू आए, बोलते याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं, उनको याद करो कुर्बानी, ये जब भी गाना गाया जाता है मुझे हकीकत में आँख में आंसू आते हैं। आज जो स्थिति हो रही है उस पर भी दुख होता है? दुख होता है मुझे कि मैंने तो 50 साल से राजनीति में कभी धर्म का मैंने काम नहीं किया। मैं उप महापौर बना तो मैंने हर एक को रिस्पेक्ट दिया हूँ, हर एक के काम किया, और आज भी मैं हर एक का काम करता हूँ। जहाँ गरीबों में मदद करता हूँ तो हर एक की मदद करता हूँ, मैं जात पात नहीं देखता हूँ। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट, स्टेशन पर कभी जात पात नहीं देखी जाती है। तो हम जात पात, जात और पात जो हो मस्जिद में मंदिर में हो, हमारे देश में क्यों जात पात देखे जावे? हमारे देश की अखंडता, देश की अखंडता और देश का विकास ये सबके सामने हो, और इसी के लिए हम लोग मेहनत करें, हमारे युवा इसके लिए मेहनत करें, हमारे पूरे सिटीजन इसके लिए मेहनत करें, पूरे राष्ट्र के रहने वाले एक एक राष्ट्रवासी हमारी देश की अखंडता और देश की एकता के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें, तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया दोबारा बनेगा। और मैं इसी उम्मीद से आज भी मैं समझता हूँ कि अगर हम सब मिलकर जैसे आज तिरंगा को लहराया है देश के अंदर, वो तिरंगा हमेशा सामने रखकर हम काम करें कि तिरंगा मेरा झंडा है, सारे जहाँ हिंदुस्तान हमारा है, हम इसके बस इसको चाहने वाले बनकर काम करें, विकास करें, अखंडता करें, किसी को हम छेड़े लें और किसी को हम बुरा न बोले, तो इससे देश की हिम्मत बढ़ेगी, देश की ताकत बढ़ेगी, देश का विकास बढ़ेगा। मोदी जी से अनुरोध आपका यही है कि इसको बरकरार रखने में? मोदी जी तो सबसे, मोदी जी जो कहेंगे ना, मैं तो समझ, अभी मोदी जी ने एक बात कही दी कि तिरंगा लहरा, तो पूरे देश में तिरंगा लहराया। अगर मोदी जी कहेंगे कि सब लोग मिल के रहो तो मुझे लगता है पूरा देश एक हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि अनुरोध वो करें? बिल्कुल, हमारे पंत प्रधान की सोच और विचार मुझे बहुत पसंद आते हैं। जब वो रोए थे गुलाम नबी आज़ाद के बारे में पार्लियामेंट में बोलते हुए तो मैं भी रोया था। अभी जब उन्होंने वहाँ के पैर धोए तो मैंने उनको पत्र लिखा। जब उन्होंने तिरंगा लहराने की बात की तो मैंने उनको पत्र में सेकंड पर वही लिखा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। ये थे सगीर डांगे, और इन्होंने सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि देश की अखंडता, देश की जो संस्कृति है, देश की जो वास्तविक आत्मा है, उसे बरकरार रखने में वे आगे बढ़कर हिस्सा लें। अगर वे अनुरोध करेंगे इस देश से, एक आह्वान करेंगे कि हम सब एक हैं, कि परिभाषा को पटल पर लाकर मजबूत किया जाए, तो इस देश में ये प्रथा और मजबूत होगी। इन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, उनकी वजह से सभी लोगों पर उंगली उठाना, ये सभी कौम में होता है, सभी तरफ पे होता है, लेकिन उन पर, उनकी वजह से पूरे पूरे हिस्से
खराब कहना, गलत कहना, पाकिस्तान जैसे शब्द का प्रयोग करके उन पर थोपना, ये गलत है। देखना ये होगा कि इन्होंने जो पत्र लिखा है उस पर प्रधानमंत्री का क्या पलटवार आता है, या पलटवार कह सकते हैं, या क्या उत्तर आता है। ये भावुकता भरा पत्र है, उन तक पहुँचेगा, क्या उत्तर आता है देखना होगा। और देखना ये भी होगा कि संगीर जैसे लोग इस देश में और कितना एकता पर बल देकर आगे आते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है आज, आगे भी किस तरह मनाया जाता है ये सब देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।